यह जिम्नास्टिक प्लेयर द्वारा अपने गेम का प्रदर्शन और जिम्नास्टिक के निपुण खिलाड़ियों और गुरुओं का सम्मान। ये नजारा है दिल्ली के द्वारका धूल सिरस गाँव का, जहाँ जिम्नास्टिक अकेडमी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित जिम्नास्टिक की प्लेयर दीपा कर्माकर और उनके कोच गुरु द्रोण पुरस्कार से सम्मानित बीएस नंदी ने बतौर चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम में शिरकत की, जहां जिम्नास्टिक के प्लेयर और उनके गुरुओं का सम्मान किया गया। वहीं इस प्रोग्राम में दूर दूर से आए जूनियर और सीनियर जिम्नास्टिक प्लेयर्स ने भाग लिया और अपने गेम का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए जिम्नास्टिक गेम के सैकड़ों प्रेमी इस एकेडमी के परिसर में एकत्रित हुए और कई घंटों तक चले इस प्रोग्राम में मंदमुग्ध कर देने वाली जिम्नास्टिक गेम का आनंद भी लिया। ऐसे में ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली दीपा कर्माकर को सम्मानित भी किया गया। वहीं पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित दीपा कर्माकर ने सचदर्शन की टीम से बातचीत की। बहुत खुश हूँ मैं, थैंक यू सो मच। बस मुझे पूरा उम्मीद है इस दिन से बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे और बेस्ट विशेष की बहुत मेहनत करी और कुछ करे हमारे घर। अरे मेरी चल रही है, अभी पूरा कोशिश रहेगी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने की, जब पूरा कोशिश रहेगा। अब सबकी प्यार रही है, मैं कुछ करने की पूरा कोशिश करूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत मदद है हमारे साथ में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, क्योंकि हमारी फेडरेशन नहीं है, पता है आपको कुछ प्रॉब्लम है इनकी, इस कारण हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे कैंप चला रहे और साथ में कोई जो भी कॉम्पिटिशन हो रहे भेज रहे, तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद की इन लोगों ने कैंप लगा के हमारी ये जिम्नास्टिक जो ओलंपिक की क्वालिफाई हो और ओलंपिक तक जाने, उनका बहुत मदद रहा, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत जल्द बोलूंगी फेडरेशन सही हो जाए, हमारी नेशनल कराएं। मैं इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है जिम्नास्टिक गेम्स को बढ़ावा देना और ओलंपिक के लिए नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर देश का नाम रोशन करने के लिए मार्गदर्शन देना था। दिल्ली के द्वारका इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।